नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। तो बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां थाना पवई पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली है। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें तो पूर्व की घटना तो 8/6/2024 को वादनी यानी कि पीड़िता थाना पवई जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 23 वर्ष ने थाना पवई पर लिखी तहरीर दिया था कि विपक्षी उमेश यादव पुत्र मुन्नी लाल यादव निवासी ग्राम टड़वा मौलाई थाना जलालपुर जनपद अंबेडकर नगर द्वारा वादनी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया है, और जब पीड़िता द्वारा शादी करने के लिए कहने पर उमेश यादव द्वारा शादी करने से मना कर दिया गया। वादनी के माता पिता द्वारा उमेश यादव के घर जाकर शादी की बात करने गए तो उमेश यादव के पिता द्वारा धमकी दी गई के संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा संख्या 208/2024 धारा 376 506 भादवी पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। गिरफ्तारी के विवरण में आपको बता दें तो दिनांक 14/6/2024 को थानाध्यक्ष विवेचक अनिल कुमार सिंह महमराय द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त उमेश यादव पुत्र मुन्नी लाल यादव निवासी ग्राम टड़वा मौलाई थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकर नगर उम्र लगभग करीब 24 वर्ष को मिल्कीपुर अंडर पास के पास से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें तो अभियुक्त उपरोक्त का चालान अंतर्गत धारा 376 भादवी में माननीय न्यायालय किया जा रहा है।